आजकल लोग वेट लूज करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए कई तरह के ड्रिंक्स पीते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी भी इन ड्रिंक्स में शामिल है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि ग्रीन टी लेना और ब्लैक कॉफ़ी पीना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि उचित मात्रा में दिन में कितनी बार आपको ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आजकल दुनिया भर में अधिकतर लोग मोटापे और आलस का शिकार हो रहे हैं और इससे निजात पाने के लिए लोग कई तरह के ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जिसमें ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी शामिल है। आपको बताएं कि आजकल मार्केट में कई तरह की ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी उपलब्ध हैं और लोग तरह तरह की ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि किस वक्त आपको ग्रीन टी पीनी है, किस वक्त आपको ब्लैक कॉफ़ी लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। तो क्या है वो चीज़ें, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्रीन टी की बात करते हैं। ग्रीन टी एक ऐसी चाय है जो कैमेलिया साइनेंसिस नाम के पौधे के पत्तियों से बनती है और ग्रीन टी में ग्लूकोज हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करता है और बढ़ते वजन या दिल से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कम करने में मदद करता है। ग्रीन टी में एलेथेनाइन और कैफीन भरपूर मात्रा में होती है, जो हमारे दिमाग की थकावट, हमारे तनाव को और एंजाइटी को भी कम करती है। इसीलिए ग्रीन टी पीना हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है, जैसा हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बताते हैं। वहीं अगर ब्लैक कॉफ़ी की बात करें तो ब्लैक कॉफ़ी को पीने से हमारे पूरे दिन की जो थकान है, जो तनाव है, वो दूर हो जाती है और हमें नींद भी आती है और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। आपको बताएं कि ब्लैक कॉफ़ी को पीने से हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है। एक स्टडी के अनुसार ब्लैक कॉफ़ी लीवर से जुड़ी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को हमसे दूर कर देती है, यानी अगर आपको न्यूरो से जुड़ी कोई समस्या है तो आप ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करें, ब्लैक कॉफ़ी लें, जिससे आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। अब सवाल है कि ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, दोनों में से हमें किसे चुनना चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स क्या बताती हैं वो आपको बताते हैं। अगर ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी को रोज़ाना पिया जाए तो इससे इंसुलिन लेवल जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही भरपूर मात्रा में, यानी कि जितना मात्रा में हमें होना चाहिए उतना मात्रा में मिलता है। वैसे ग्रीन टी के ज़रिए थोड़े बेहतर रिजल्ट हैं, यानी ब्लैक कॉफ़ी से ज़्यादा बेहतर है ग्रीन टी। वहीं रिसर्च के मुताबिक ब्लड शुगर लेवल को भी ग्रीन टी काफ़ी कम कर देता है, इसे कम करने में सक्षम है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि दोनों ही जो पेय पदार्थ हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी आपके ब्लड फ्लो में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को भी बढ़ाता है। ग्रीन टी से सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स को भी बढ़ाता है और आपकी जो इंसुलिन लेवल है उसको भी सही मात्रा में रखता है, सही करके रखता है, सीमित करके रखता है। यानी ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी में अगर आपको चुनना हो तो ग्रीन टी ज़्यादा फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। अब सवाल ये भी है कि ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी को हमें कंज्यूम कैसे करना चाहिए। ग्रीन टी को लंच करने के एक घंटे के बाद आपको पीना चाहिए, इससे आपका जो खाना है, जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा शाम के वक्त जब आप स्नैक्स लेते हैं उसके एक या दो घंटे के बाद आपको ग्रीन टी पीना चाहिए, पर ग्रीन टी को रात में सोने से पहले बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात में ग्रीन टी पियेंगे तो फिर आपकी नींद जो है वो चली जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। अब बात करें ब्लैक कॉफ़ी की। ब्लैक कॉफ़ी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए और इसे पूरे दिन भर में अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो 2 या 3 कप ही कंज्यूम करें, इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। रात के समय सोने से पहले आप ब्लैक कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे शरीर से ग्लूकोज प्रोडक्शन की मात्रा को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आप ये जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी में से आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कितनी मात्रा में अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी में जो संतुलन है, इंसुलिन लेवल है, वो सही मात्रा में बनी रहेगी।